मोस्ट ट्रस्टेड फाउंडेशन प्लेटफॉर्म इन नॉर्थ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र बलहारा द्वारा करनाल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों व अभिभावकों को काउंसलिंग देने के लिए यह मंच कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत पंचकुला में व अन्य शहरी क्षेत्रों में कार्य करने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के दौरान 100% रोजगार मिलने के लिए उनको तैयार किया जाएगा और ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाएगा जिसके माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पा सके। उन्होंने कहा शहरी क्षेत्रों में कार्य करने के बाद अब उनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में जाकर भी इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आज के दौर में बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए जिससे वह टेंशन में ना रहें और अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सके और जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उसी क्षेत्र में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए रोजगार भी पा सके। देवेंद्र बलहारा ने आगे बताया कि आज के राजनीतिक सिस्टम में प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थी को सिर्फ शिक्षा देकर उनको भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध नहीं करवाए जाते। हम इस मंच के माध्यम से बच्चों को उसके रुचि के अनुसार मंच प्रदान करके 100% रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगे, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से निवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हम गांव-गांव में जाकर लोगों में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और एक नए भारत का निर्माण कर सके जिसमें कोई भी बच्चा आगे शिक्षित होकर बेरोजगार ना रहे। मैटर ये है कि आज जो बच्चों की एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनके बेरोजगारी को लेकर के हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रही है गांव के लिए जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। तो इसमें गांव से एप्लीकेशन इनवाइट करी है हमने कि जो जो गांव हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी और हम अपना पूरा रिसर्च वर्क गांव के लिए देने को तैयार है, जिसमें एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा और वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये गांव के लेवल पे ही पॉसिबल होगा। हम लोग, मैं इंडिया के सबसे बड़े काउंसलर के तौर पे जाना जाता हूँ आज के टाइम में, आकर के मुझसे मिल करके या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे ही बुला ले और गांव में हम लोग किसी भी गांव में, मतलब ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन गांव, गांव होना चाहिए, कोई भी गांव हो, मैंतरगढ़ का, भिवानी का, पानीपत का, सोनीपत का, कोई भी गांव हो तो वो हमारी स्कूलिंग के साथ जुड़ सकता है।